ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का फोकस आजकल चुनावी राज्यों पर है। इसी कड़ी में पंजाब के अमृतसर में केजरीवाल ने गुगली डाली, जिसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं जोरों पर है। केजरीवाल ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से दिखाए गए साहस पर उनको नाज है। सिद्धू चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार के झूठे दावों का पर्दाफाश कर रहे हैं। अब केजरीवाल द्वारा सिद्धू की ये तारीफ चर्चा का विषय बनी हुई है कि कहीं नाराज रहने वाले सिद्धू की ओर आप द्वारा दोस्ती का हाथ तो नहीं बढ़ाया जा रहा है। दरअसल पंजाब में आम आदमी पार्टी की समस्या यह है कि उनके पास कोई प्रोमिनेंट चेहरा नहीं है, इसको लेकर आपके रणनीतिकार चिंतित है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यही नहीं रुके, नवजोत सिंह सिद्धू को दाद देने के साथ ही केजरीवाल ने ये दावा भी कर दिया कि कांग्रेस के 25 से ज्यादा विधायक और 2-3 सांसद आपके संपर्क में हैं और वो चाहे तो शाम को आप पार्टी ज्वाइन करवा सकते हैं। इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने राज्य के शिक्षकों को 8 गारंटी भी दी। केजरीवाल ने कहा कि यहां शिक्षकों की हालत बेहद खराब है, हमारी सरकार आने पर राज्य में जितने भी शिक्षक है सबको कंफर्म किया जाएगा, साथ ही राज्य में शिक्षकों के खाली पदों को भरा जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मिशन पंजाब को ध्यान में रखते हुए लोगों को चौंकाते हुए कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से दिखाए साहस पर उनको नाज है। सिद्धू चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार के झूठे दावों का पर्दाफाश कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि सीएम चन्नी ने कहा कि मैंने रेत माफियाओं को खत्म कर दिया और रेत 5 रुपए फुट कर दिया, लेकिन सिद्धू ने तुरंत मंच से कहा कि गलत है, रेत 5 नहीं 20 रुपए में मिल रही है, रेत माफिया अभी खत्म नहीं हुए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जनता के मुद्दे उठा रहे हैं लेकिन पूरी कांग्रेस उन्हें दबाने में लगी है। मैं सिद्धू के इस जज्बे को सलाम करता हूं। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह भी दबा रहे थे। नवजोत सिंह सिद्धू की तारीफ के बाद केजरीवाल ने कहा कि देखिए हर पार्टी में होता है कि जिसको टिकट नहीं मिलती वो नाराज हो जाता है, उनको मनाने की कोशिश की जाती है, कुछ लोग मान जाते हैं कुछ लोग नाराज होकर दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं पर हम उनका कचरा लेना नहीं चाहते। अगर हम उनका कचरा लेना चालू कर दे, आज शाम तक मैं चैलेंज कर रहा हूं 25 कांग्रेस के एमएलए हमारी पार्टी में शामिल। अगर ये कंपटीशन ही करना है कि उनके कितने और हमारे कितने, हमारे तो 2 ही गए हैं, उनके मैं चैलेंज कर रहा हूं 25 एमएलए और 2-3 एमपी हमारे संपर्क में, वो आना चाह रहे हैं। तो ये गंदी राजनीति है, ये गंदी राजनीति है, हम इसमें नहीं पड़ते। उनका प्रश्न है कि क्या उसमें नवजोत सिंह सिद्धू का नाम भी है। साथ ही केजरीवाल ने शिक्षकों से वादा करते हुए कहा कि अगर पंजाब में हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे सारे अध्यापकों को पक्का करेंगे। हमारी चन्नी साहब से अपील है कि आप इन अध्यापकों की मांग पूरी करें, अगर आपने इनकी मांगे नहीं मानी तो हमारी सरकार आने पर हम इनकी सभी मांगों को पूरा करेंगे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो पंजाब, ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।